सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुदेव के चरणों की जो रज है उसका हमें पान करना चाहिए। इसका भी अर्थ गलत लगा लिया, 20 बार चरणों को धोकर पीना है, बात एक भी नहीं माननी। इसकी भी बहुत सुंदर व्याख्या संतों ने करी है कि गुरुदेव के मुख रूपी चरण से जो वाणी रूपी रज प्रवाहित होती है हमें उसका निरंतर पान करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। गुरु की वाणी सुने जो काना, उसकी मिट जाए चारों खाना। आपकी इस गुरु चालीसा में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी चौपाई है कि एक चौपाई को जीवन में उतार लो तो कल्याण हो जाए। पर याद सबको है, समझना कोई नहीं चाहता, समझता कोई नहीं। समझता तो गुरुदेव के चरणों की रज को अपने हृदय में धारण करें, हृदय की बुझी हुई ज्योति को सत्संग रूपी माचिस से जलाएं, अपने दृग्वंदों में प्रेम के जल की अश्रुओं की धारा लाएं। ये सब करने से हम अपने अंदर का कक्ष तैयार करते हैं। भगवान को कहते हैं, भगवान हमारे यहाँ आना आप। हम तो भगवान को रोज बुलाते हैं, गुरु जी को रोज बुलाते हैं, आप आते ही नहीं। हमारा अंदर का कक्ष तैयार है कि नहीं। एक रिश्तेदार को हम निमंत्रण देते हैं कि आपको हमारे यहां पर आना है, तो रिश्तेदार के आने से एक महीने पहले ही आप तैयारी करने लगते हैं। ये नाश्ता कराएंगे, ये भोजन कराएंगे, इस कमरे में सुलाएंगे, इस बिस्तर पर लिटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर को आने का जब हम न्योता देते हैं तो तैयारी जरा सी भी नहीं। अगर वो आ भी जाए तो कोई स्थान है जहां पर आप उन्हें विराजमान कर सकते? मन के अंदर तो इतनी फालतू की चीजें हैं जिसकी व्याख्या मैं कल कर चुका हूं। मन कम डस्टबिन ज्यादा लगता है। जरा सा कोई कोना ही खाली नहीं है जहां उस परमपिता परमेश्वर को बैठा सके। तो ये तीनों चीजों का पालन करने से हमारे अंदर का कक्ष तैयार होता है, और जब हमारे अंदर का कक्ष तैयार हो जाता है तो गेंद ठाकुर के पाले में चली जाती है। अब तुम्हारी मर्जी है, जब आना चाहो तुम आ सकते हो।